थाने में एक मशहूर कारोबारी से अंडरवर्ल्ड का एक डॉन मांगता है 2 करोड़ रुपए की रंगदारी। इसके बाद कारोबारी को धमकाने के लिए हाथ में खुलेआम पिस्तौल लहराते 2 बदमाश उसके दफ्तर में दाखिल होते हैं और करते हैं बेखौफ फायरिंग। फिर वो बदमाश मीडिया को फोन करके अपनी करतूत का डंका भी पीटते हैं। देखिए थाने में किस तरह से खुलेआम फायरिंग की ये खौफनाक तस्वीरें आई हैं सामने। बदन पर काली जैकेट, चेहरा हेलमेट से ढका हुआ और हाथ में खुलेआम लहराती ये पिस्तौल। ठाणे के उल्लास नगर में एक मशहूर कारोबारी के दफ्तर में घुसे इस बदमाश को देखते ही हर कोई इधर उधर छिप गया। पिस्तौल थामे शख्स ने हवा में एक फायर किया और लोगों में दहशत फैला दी, लेकिन दीपक रंजानी नाम का एक कर्मचारी पिस्तौल थामे इस युवक से जा भिड़ा। कर्मचारी के हमले से पिस्तौल थामे ये शख्स भी हड़बड़ा गया, उसका हेलमेट नीचे गिर गया, लेकिन इस बदमाश ने कर्मचारी पर फायरिंग कर दी। बदमाश की पिस्तौल से चली गोली को दीपक ने चकमा दे दिया। वो जल्दी से नीचे बैठा और फिर बाहर की ओर भाग निकला। बाजी पलटते देख पिस्तौल थामे इस बदमाश का दूसरा साथी भी हाथ में पिस्तौल लहराते तेजी से अंदर घुसा। उसे देख एक कर्मचारी ने दीवार की ओट में होकर कुर्सी ऊपर उठा ली। पिस्तौल थामे इस दूसरे बदमाश ने भी दफ्तर में फायरिंग की। इधर इन बदमाशों की सरेशाम फायरिंग का यह मंजर दफ्तर में लगे सीसीटीवी में कैद हो रहा था। हेलमेट उतार चुके शख्स का बेनकाब हुआ चेहरा भी सीसीटीवी में कैद हो चुका था। दोनों बदमाश पिस्तौल हवा में लहराते हुए फरार हो गए। बदमाशों के फरार होने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने आकर मौके का मुआयना किया। जांच में जमीन पर पड़े खाली कारतूस यहां हुई फायरिंग की गवाही दे रहे थे। इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस के मुताबिक मशहूर कारोबारी सुमित चक्रवर्ती से 2 करोड़ रुपए की उगाही के लिए बदमाशों ने उनके दफ्तर में यह फायरिंग की। इस दफ्तर के मालिक कारोबारी सुमित चक्रवर्ती को सुरेश पुजारी नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन ने पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने सुमित चक्रवर्ती और उनके बेटे आकाश को सुरक्षा दे रखी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस फायरिंग में भी सुरेश पुजारी गैंग का हाथ है या फिर इस फायरिंग के सूत्रधार कोई और है। विक्रांत चौहान, ठाणे, आज तक।